of current electricity, first you should know the formula for electric current. So the first we'll deal with electric current. So when it comes to the basic formula, you know, we all know that current, it is nothing but charge upon time, right? The charge flowing upon time taken. So current is denoted by I, so it is going to be Q upon T. Right? So I is equal to Q upon T. But when it comes to quantization of electric charge, we all know Q is equal to NE. Q is equal to NE. So in this case, formula I is equal to NE by T. Exactly, NE upon T. So, एक तो चार्ज दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टर्म्स में दिया है तो ऑब्वियसली नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वेयर n इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, e इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19. Minus 19 कूलम. राइट. अभी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यही इक्वेशन होगा. सो अज्यूम करो फॉर इलेक्ट्रॉन रेवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ या सर्कल ऑफ रेडियस, इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी, आई विल से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो स्पीड होगा, स्पीड भी, देन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय. सो बच्चा कोई बता सकता है क्या रहेगा टाइम ऑफ रेवोल्यूशन? बच्चा टाइम पीरियड होता है. तो टाइम पीरियड मतलब इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन है. तो आपको पता है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड है. तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर. दैट इज सर्कमफेरेंस, राइट? सो इट इज अपॉन वी. सो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी हो गया. बट हमको पता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी वी अपॉन 2 पाई आर. वी अपॉन 2 पाई एग्जैक्टली, वी अपॉन 2 पाई आर, राइट? वी अपॉन 2 पाई आर है. तो हमारा जो करंट अभी बनेगा आई इज इक्वल टू, एक तो आप क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं एंड इधर इलेक्ट्रॉन है तो इंस्टेड ऑफ क्यू यू कैन राइट ई, है ना? यस यस. सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई है तो ई अपॉन टी होगा एंड 1 बाय टी एफ है तो ऑब्वियसली ई एफ हो सकता है एंड इट इज ई एफ के बदले में वी अपॉन 2 पाई आर. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ. आई होप इधर तक सबको समझ में आया. यस यस, वी विल गेट इनटू ओम्स लॉ नाउ. सो ओम्स लॉ में हमारा पास बेसिक फॉर्मूला तो यही है v इज इक्वल टू आई आर. तो इसके हिसाब से r जो है v बाय आई अपॉन आई. ये बच्चा फर्स्ट फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, क्योंकि ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस मिलता है हम लोग को. अदरवाइज वी अपॉन आई का बदले में आई कैन राइट रो एल अपॉन ए. ए भी आपको पता है रो एल अपॉन ए, रेसिस्टिविटी रो है, एल इज लेंथ है एंड ऑफकोर्स ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बराबर है ना बच्चा? यस 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 सर. और एक फॉर्मूला है, यू कैन राइट एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ टाउ ए है, वेयर एम इज गोइंग टू बी द मास, right? And L is going to be the length and N is going to be the number of free electrons per unit volume and E is going to be the charge on electron and ये जो tau है ये relaxation time है. तो आपने current electricity में देखा है relaxation time, right? जो physical significance of Ohm's law आपने जो पढ़ा है उसमें tau relaxation time है, right? And A is going to be the area of cross section. Clear? इसका मतलब सर कैसा है ये वाला? रिलैक्सेशन टाइम ये होता है, ध्यान से सुनो. फॉर एग्जाम्पल इधर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर एटम है एक, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, जो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है एटम के साथ कोलाइड होता है, इन दोनों का बीच में जो कोलिशन के बीच में टाइम लगता है वो टाउ वन है, देन फिर से इधर जाके कोलाइड होगा टाउ टू है, टाउ वन टाउ टू, मतलब इनका सबका एवरेज निकाला मैंने, एवरेज तो आपको रिलैक्सेशन टाउन यू नो टाइम मिलता है, बच्चा समझा? यस यस, रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है, दो सक्सेसिव कोलिजन का बीच में जो टाइम एवरेज टाइम होता है उसको हम लोग टाउ बोलते हैं, और टाउ पे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, बच्चा क्लियर है? डेफिनेशन बताओ बच्चा, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन का बीच में जो यू नो टाइम मिलता है उसका एवरेज टाइम निकालेंगे वो आपको टाउ मिलता है, क्लियर है? यस। इनफैक्ट बच्चा आपने 12th का टेक्स्ट बुक ठीक से, आई मीन 12th नहीं 11th का टेक्स्ट बुक आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ करके एक टॉपिक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ है, राइट? उधर डेफिनेटली आप टाउ का टर्म देखा होगा, एंड उधर लिखा है आपने एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको ही अपने टाउ लिया है, बच्चा याद आ रहा है आपको? सर नहीं पढ़ाया मैंने, ये कैसे नहीं पढ़ा सकते? फॉर्मूला है सर, सर फॉर्मूला है बट नहीं पढ़ाया, फर्स्ट बैच को नहीं पढ़ा है, फर्स्ट बैच को फिजिकल नो सर, हम लोग को भी नहीं, ठीक है सर, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ भी नहीं पता है, फिजिकल ओरिजिन उसका ही बात कर रहा हूँ बच्चा, उसका ही मैं बात कर रहा हूँ, पर वही नहीं पढ़ा है, क्या करेंगे बताओ? करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ है कि इट इज इनकम्प्लीट है बच्चा? कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है पर बीच में कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए वो इनकम्प्लीट, ठीक है, एनीवे जाने दो जाने दो, ठीक है अभी जान दो, आप आपको मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं कि क्या होता है, ठीक है? अभी हम लोग ने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, सो एक कंडक्टर लिया, राइट, सो ऑब्वियसली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, रैंडम डायरेक्शन में रहेगा, रैंडम डायरेक्शन में जाता रहेगा, तो अभी तो उसका वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जीरो है। अभी हम लोग ने क्या किया बच्चे, इनके अक्रॉस हम लोग ने सेल कनेक्ट किया, तो जैसे सेल कनेक्ट किया प्लस से माइनस है, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, किधर होता है बच्चा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बताओ? नेगेटिव। क्या होता है बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपल होगा, इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट फोर्स विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, यू एग्री विद मी? यस यस राइट, सो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये साइड ये डायरेक्शन में रहेगा, राइट, एंड ये फोर्स का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, बच्चा ध्यान से देखो, फोर्स डोंट यू थिंक इट इज क्यू इन टू ई होगा, क्योंकि आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E is equal to F upon Q पढ़ाया है, उसके हिसाब से F, F क्या होगा बच्चा? E into Q होगा, into Q, तो E क्या है बच्चा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन E, ये हो गया फर्स्ट, बच्चे समझ में आया? यस सर, यस, F is equal to E into E है, ये E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इसको मान के चलो ये फर्स्ट है, राइट? यस बच्चा, बराबर है? यस सर, लोग ने न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ में सेकंड लॉ में फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन,
तो इसका मतलब पहला इसका वेलोसिटी जीरो था, अभी वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेट होगा चार्ज। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला नेट वेलोसिटी कितना था इलेक्ट्रॉन का? जीरो था। जीरो। वेलोसिटी गेन करेगा तो चार्जेस एक्सेलरेट होगा। सो मैं एफ को एम ए लिखा, एफ को एम ए लिखा, डोंट यू थिंक यू विल गेट एम ए इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम होगा। That is equation number 3A. बच्चा समझा? Yes. Yes. ठीक है, अभी ये जो वेलोसिटी जो गेन करता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, सब इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेशन yes. इस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो अभी वेलोसिटी पहला जीरो था, अभी वीडी हुआ है तो चेंज कितना होगा? वीडी होगा, वीडी। यस। एंड एवरेज टाइम जो है आपको मैंने पहले बताया कि ये टाउ होगा, टाउ। यस यस, है ना। सबका जो कोलिजन का बीच में जो एवरेज टाइम इंटरवल रहेगा वो क्या होगा? टाउ होगा। सो वी विल गेट अ फॉर्मूला, वीडी विल बी इक्वल टू ए इनटू टाउ है। बच्चा नहीं समझा? अच्छा टाउ, बच्चे ये इलेक्ट्रॉन इधर से, देखो बच्चा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है तो एटम से एटम पे जाता है, तो एक एटम का कोलाइड होगा देन दूसरा एटम से कोलाइड होगा देन इधर से जाके दूसरा एटम से कोलाइड होगा। यस यस, इन दोनों का बीच में जो टाइम है टाउ वन टाउ टू वैसा बहुत सारा का एवरेज टाउ आता है। सर ये कांस्टेंट वैल्यू की फाइंड करना पड़ता है बच्चा, ये एक पर्टिकुलर मेटीरियल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर में कांस्टेंट होता है। अभी तुम मेटीरियल चेंज किया टाउ चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज किया तो टाउ चेंज होगा। समझ में आया? यस यस, फाइन। एनीवे सो ये समझा राइट बच्चा? yes. अभी मैं क्या yes. कर रहा हूँ बच्चा, ये देखो ए का बदले में एक ए दिख रहा है उसके बदले में ये लिखूंगा, सो विल गेट वी डी will be equal to E capital E into tau upon M. Equation number 4. Bacha, is it clear? Yes. 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 Sir. Yes. Confusion nahi hai? No. 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 Theek hai. Fine. Abhi dhyan se suno bacha. Jab humne drift velocity ka equation nikala tha, drift velocity ka, we got I is equal to NEA into VDA. Where VD is the drift velocity. You remember? Yes. 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 So VD kya hoga bacha? VD? Yes. I upon NA. I upon NEA. Very good. I upon A J hota hai. J upon NE hoga. NE, yes. This is equation number 5. J for current density bacha. Current density. Yes. I upon A J hota hai. So abhi batao, A VD hai. ये भी VD है तो ये और ये क्या होना चाहिए बच्चा? सेम होना चाहिए। आपका है? Yes. 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 तो अभी हम लोग क्या करेंगे, E capital E tau upon M will be equal to J upon NE, J upon NE, right? Yes. 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 तो हम लोग को J is equal to, J is equal to क्या होगा बच्चा? देखो ये NE उधर जाएगा, स्क्रीन ब्लर है सर, NE square नहीं है बच्चा, स्क्रीन किधर से ब्लर है, दिख रहा है मेरे को? नहीं है ब्लर। सो NE इधर आया तो यू विल गेट NE square अपॉन tau into E tau अपॉन M अपॉन M। बच्चा समझ में आया? यस यस। तो ये जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर रिलेटेड बाय इक्वेशन जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है बच्चा। ये फॉर्मूला है जे और ई का रिलेशन का बीच में, ये आपको डिराइव नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो बताओ कंपेयर किया तो क्या मिलेगा? जे और जे, ई और ई, M. तो सिग्मा का फॉर्मूला मिला, बट हमको पता है रो इज
वन अपॉन सिग्मा है, डोंट यू थिंक इसका उल्टा हो जाएगा, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ टाउ, समझा? यस यस, इसका मतलब बच्चा ए एन ई स्क्वायर टाउ और एम, ये सब कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब सिग्मा और रो फॉर ए गिवन मटेरियल क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सिग्मा और रो कैसे रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? बच्चे ये कंडक्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी है, ये दोनों रेसिप्रोकल होता है ना बच्चा? यस यस यस। जैसा सी फॉर कंडक्टेंस है, आर फॉर रेसिस्टेंस है, तो ये भी वन अपॉन आर होता है। जैसा सी और आर रेसिप्रोकल है, वैसे ये भी रेसिप्रोकल है। यस ठीक है, यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो रो है ना, रो का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में डाल देंगे, रो एल अपॉन ए। तो रो में डाला मैंने इसको, तो क्या मिलेगा बताओ? आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। रणवीर ये इक्वेशन इधर लिखा मैंने। यस अच्छा समझा? यस यस यस। नो नो बच्चा ये नोट डाउन कर लो एक बार। तो अभी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो डिराइव हो गया आपके लिए। बच्चा इधर से लिखना, इधर से ये बाद में लिखना है, क्योंकि ये सिनॉप्सिस का पार्ट है।
Finished? Yes. Okay. So anyway, you have got expression for conductivity, resistivity as well as resistance. And Vd is equal to E capital E tau M. Ye bhi yaad rakhna hai, right? Fine. So you got an expression for resistance. Ek wala V upon I hai. Second wala rho L upon A hai. That is equal to M L upon N E square tau A. Bacha, idhar tak samajh mein aaya? Yes. And isme bhi ek baat ka, you know, aapko samajh mein aana chahiye. Suppose graphical representation hai Ohm's law ka. For example, y-axis में वोल्टेज है, you know, x-axis में करंट है, एंड एक कंडक्टर का ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो इसका स्लोप निकालने जाएंगे हम लोग, स्लोप, राइट? सो द स्लोप ऑफ ग्राफ, राइट? तो स्लोप क्या होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो आपको पता है स्लोप y अपॉन x होता है, yes. y अपॉन x. तो वाई एक्सिस में वोल्टेज है तो वाई का बदले में वी लिखेंगे, एक्स एक्सिस में करंट है तो ऑब्वियसली यू विल राइट वी अपॉन आई. तो इसका मतलब वी अपॉन आई स्लोप होता है, राइट? रेजिस्टेंस. हाँ बच्चा, सपोज ये थीटा है तो स्लोप वी अपॉन आई को हम लोग टैन थीटा भी लिखते हैं. टैन थीटा. तो इसका मतलब ये होगा आर. क्लियर? बट आपको याद रखना है कि V upon I का ग्राफ है तो ये आएगा, क्योंकि कभी कभी है ना बच्चा उल्टा देते हैं, इधर I देंगे, of course इधर V देंगे, तो one upon R आएगा. Exactly. Conductance आएगा. Yes. हाँ, ये थीटा है तो आप इसका स्लोप निकालने जाएंगे, so you'll get slope will be equal to I upon V, which will be equal to, of course AB tan theta ही रहेगा, but this will be one upon R. One upon R. Conductance. Conductance. तो आप पहला जैसे ग्राफ देंगे, पहला कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस चेक करना कि V और I किधर है, देन उसके बाद ही डिसाइड करना है कि क्या पूछा है, राइट? Yes. ओके, थर्ड जो है टर्म रेसिस्टिव, ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस मिलता है, रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी मिलता है, राइट? सो विल हैव रेसिस्टिविटी दैट इज डिनोटेड बाय रो. तो रो का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू, पहले इधर से निकाल दूंगा मैं, रो विल बी आर ए अपॉन एल, पहला फॉर्मूला आर ए अपॉन एल है, तो ऑब्वियसली ये तो सबको समझ में आया ही होगा, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज, ये डिराइव किया हम लोग रो का इक्वेशन, याद है ना? यस. अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होगा, एन ई स्क्वायर टाउ होगा सेकेंड फॉर्मूला, राइट? तो इसका मतलब रो जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगा. एन बच्चा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या इन अदर वाइज इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफकोर्स टी होगा, बिकॉज ई तो कॉन्स्टेंट है, सॉरी टी नहीं टाउ है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रो ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो रो कम, लाइक दैट. कम है, क्लियर है? एंड ये जो रो है टेम्परेचर के साथ रिलेट होता ही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, राइट? फॉर मेटल्स ये जरूरी है. फॉर मेटल्स में क्या होता है, जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, याद रखना. सो रेसिस्टिविटी का जो रिलेशन है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर है, क्या बच्चा? चेंज इन टेम्परेचर, एंड अल्फा इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टिविटी है. क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी ये आपने ऑब्वियसली डिराइव नहीं किया है, बट आपने ये तो डिराइव किया आर टी इज इक्वल टू आर जीरो. उससे ये मिलता है बच्चा, क्योंकि रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इंटर रिलेटेड है. बच्चा समझ में आया? यस यस. ठीक है चलो, रेसिस्टिविटी का पार्ट हो गया. नेक्स्ट वी विल गेट इनटू कंडक्टेंस, दैट इज सी ए, एंड कंडक्टिविटी. दोनों का फॉर्मूला एक साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है सिग्मा. सो व्हेन इट कम्स टू कंडक्टेंस यू नो दैट C is equal to 1 by R. 1 upon R. ये सब उल्टा लिखना पड़ेगा, है ना? It is A yes. upon rho L. N e square tau A upon ML. ML. ये हो गया formula. किसका बच्चा? Conductance. ठीक है. अभी कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला वन अपॉन रो है, तो अभी रो का फॉर्मूला हम लोग ने किधर लिखा? इधर लिखा. अभी सब उल्टा लिखेंगे. L by RA. L upon RA and that is equal to N square tau upon M. Upon M. Clear up to this much? Yes. Yes. Fine. अभी बच्चा इन केस अभी वन अपॉन रो है, दिख रहा है ना वन अपॉन रो इधर? Yes. तो आप चाहे तो C is equal to sigma A. Don't you think you can, you can write it as sigma A upon L. So this is conductivity in terms of conductance in terms of conductivity. अब इधर one upon R है, इसको भी आप C लिख सकते थे. Obviously C will be equal to C L upon A होगा. बच्चा समझा? Yes. Yes. मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कंडक्टिविटी देंगे, एरिया लेंगे, लेंथ लेंगे, सी पूछेंगे, एंड ऑफ कोर्स रिवर्स भी कर सकते हैं, कंडक्टेंस देख के सिग्मा पूछ सकते हैं. अच्छा क्लियर अप टू दिस पंच? एनी डाउट्स? नो. एंड याद रखना सिग्मा फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो सिग्मा का फॉर्मूला है वो आता है एन ई म्यू ई है. N E mu E, where mu E will be drift velocity of electrons. N is, आपको पता ही है, number of electrons per unit volume, and E is going to be the charge on electron. बच्चा समझ में आ रहा है? दिख रहे हैं? Sir, mu क्या है? Mu क्या है? Sir, नहीं समझ रहे वाला. Sir, repeat. बच्चा mu, अच्छा mu E जो है ना, एक term, अच्छा sorry. म्यू ई जो है ये मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी, ठीक है. तो ये होगा एन ई म्यू ई, एंड ये म्यू ई जो टर्म है मैं आपको आगे जाके डिफाइन करूंगा क्या होता है मोबिलिटी. तो याद रखना बच्चा, सेमीकंडक्टर चैप्टर हुआ है आपका? नो नो नो. अच्छा ठीक है, हुआ नहीं है, ठीक है. देखो ये कंप्लीट करो बच्चा, म्यू ई जो टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ आगे जाके, तो ये फॉर्मूला आप याद रख ले. तो एन ई म्यू ई ये कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग आगे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन मोबिलिटी डिस्कस करेंगे.
स्क्रीन ब्लर है। यस सर यस। सर यस बच्चा। सर लास्ट में मेटल्स के बाद क्या लिखा, वो फॉर्मूला रिपीट कीजिए ना। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू ई है म्यू। थैंक यू सर। बच्चा हो गया लिख के कंप्लीट हुआ? यस 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 सर। फाइन। सो हम लोग को क्लियर इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बच्चा मेटल्स में क्या होता है, खाली फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होता है, चार्ज कैरियर राइट। तो इसके लिए मैंने खाली इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया, तो ये मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। So that is for metals, you got sigma is equal to N E mu E. So N for, of course, electron density, E is going to be the charge on electron, and mu E jo hai na bachcha, it is going to be the mobility jo hum log discuss karenge. बट मेटल का बदले में मैंने सेमी कंडक्टर लेता हूँ, सेमी कंडक्टर। तो आपको ये चैप्टर नहीं हुआ है तो आप याद रखना। सर स्क्रीन ब्लर हो गया। यस सर ब्लर हुआ। यस ओके ओके। यस सर ब्लर हो गया एक बार, एक ओके। फॉर सेमी कंडक्टर्स
फाइन, मेटल्स के लिए बच्चे खाली इलेक्ट्रॉन्स आता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर से, बट एक कॉन्सेप्ट आता है होल्स का, राइट? तो आप ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आप याद रखना इधर दो चार्ज कैरियर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सो सिग्मा विल बी इक्वल टू एन ई, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो गया ई, म्यू ई हो गया, दिस इज सेम एज दिस टर्म है, प्लस क्योंकि इधर होल्स भी है तो इसके लिए हम लोग एन एच लिखते हैं, एच फॉर होल्स है, तो एन एच ई चार्ज दोनों का इलेक्ट्रॉन और होल का सेम होता है, तो इधर आता है म्यू एच, राइट? सो इधर एच जो है, एच इट इज होल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ई जो है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? बच्चा अभी ये होल्स क्या होता है, राइट? क्योंकि आपको ये चैप्टर सेमीकंडक्टर में समझ में आएगा कि होल्स क्या होता है, बट फॉर टाइम बीइंग आप ये समझ के चलो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल चार्ज कैरियर से, तो इसके लिए एक टर्म इलेक्ट्रॉन का आ गया, एक टर्म होल्स का आ गया, बच्चा क्लियर है सर? हाँ सर वो एक्चुअल होल्स है कि क्या है वो अलग टर्म है कुछ? हाँ बच्चा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो होल है ना एक चार्ज कैरियर है, जैसा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है वैसा होल एक चार्ज कैरियर है, राइट? अभी उसका कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर चैप्टर जब होगा तभी करेंगे, राइट? बट अभी आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन का एक टर्म आ गया, होल का एक टर्म होगा, बट एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाद में होल के बारे में बताया जाता है, ठीक है? You're done with the conductivity ho gaya. Next, we'll get into current density. Current density. So, ye current density jo hai, obviously, isko hum log J likhte hain. And aapko already formula pata hai. J is equal to I upon A. J is equal to I upon A. Bacha, barabar hai? Yes. Now, bacha, dhyan se suno. J is equal to I upon A है, तो obviously I is equal to J into A होता है, J into A होता है, बराबर है? Yes. अभी इसका actual जो term आता है ना बच्चा, current का, it is J bar dot A bar, मतलब J bar और A bar का dot product आपको current देता है, right? अभी dot product क्या होता है बच्चा? डॉट मतलब क्या होता है? जे ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसका मतलब करंट विल बी जे ए कॉस थीटा है। अभी फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, ध्यान देना, इधर करंट फ्लो है आई, अभी मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, सो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? अभी इधर करंट का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मान रहे हो? Yes. Yes. So इधर theta क्या होगा बच्चा? Zero होगा. And cos zero क्या होता है? One. तो इसका मतलब cos zero का value one हो गया. तो don't you think we are left with I is equal to J? Yes. मतलब if मैंने लिखा कि theta is equal to zero है, right? Then cos zero का value obviously one होगा. तो आपको formula आता है I is equal to J A. Therefore, J is equal to I upon A. अभी समझ में आया आपको? ये क्यों आता है, ऐसा लिख रहा हूँ मैं? सर, इसमें मैक्सिमम करंट रहेगा ना, ये कौन सा बच्चा? करंट तो एक कंडक्टर में हर एक जगह सेम ही होता है ना, करंट डेंसिटी एरिया के साथ चेंज होता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल एक वायर है ऐसे, तुम इधर करंट I बोलेगा, इधर I डैश बोलेगा, चलेगा क्या? सब जगह I रहेगा ना बच्चा? बट करंट डेंसिटी एरिया का साथ क्या होगा? चेंज होता है सर। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग रहेगा एक वायर का, तो ऑब्वियसली चेंज होगा ना बच्चा जे। बट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर, सपोज ये छोटा है इधर, ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर भी करंट आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, मतलब ऐसा नहीं है ना, इधर जितना चार्ज इधर से आ रहा है वो सब इधर भी मूव होगा ना, फर्क इतना है। जब एरिया छोटा रहेगा स्पीड से जाता है, जब एरिया बड़ा रहेगा तो स्लो जाता है, बाकी करंट सब जगह सेम है। यस, ठीक है। सो एनीवे, सो यू गॉट अ फॉर्मूला फॉर जे,
दैट इज आई अपॉन ए है, बट ये एक्चुअल उसका टर्म्स जैसा आता है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड और दो फॉर्मूला आपको पता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू रो इनटू जे हो। बच्चा टर्म समझा? यस यस समझा। ये समझ में आना ही चाहिए क्योंकि सिग्मा वन अपॉन रो था। वन अपॉन सिग्मा इधर आएगा तो रो हो जाता है। रो यस रो यस। तो आपका करंट डेंसिटी का और एक फॉर्मूला आ गया, J is equal to sigma E, E is equal to rho into J. I hope इधर तक सबको समझ में आया। Yes. Next is drift velocity. Drift velocity, that is V suffix D. कोई बता सकता है क्या होता है drift velocity? What is drift velocity बच्चा? Electron velocity acquired by the electron when potential difference is applied across the conductor. Okay, मतलब initial net velocity zero होता है, जब potential difference apply किया तो जो average velocity gain करता है electrons उसको drift velocity बोलते हैं। Yes. Yes. बराबर है? Yes. Yes. So एक reference formula मैं ले रहा हूँ, I is equal to N E A into V D. Right? तो V D का formula लिख रहा हूँ बच्चा, तो answer देखो। VD is equal to, अच्छा इधर एक मैंने VD का फॉर्म लिखा था, याद है मेरे को? मैंने बोला ये याद रखो। Yes sir. Yes. Yeah. E capital E tau upon M, याद है? Upon M. ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट फॉर्मूला इससे आएगा, इससे। So it's going to be I upon N E A. N E A. N E A. अभी I upon A तो J होता है, बट जे क्या होता है बच्चा? सिग्मा ई अपॉन एन ई, राइट? दिस विल बी इक्वल टू बच्चा, व्हाट इज सिग्मा? वन बाई रो है, वन बाई रो, वन रो, तो ई अपॉन एन ई रो, रो एन ई, ई रो, जो भी है, क्लियर है? यस यस यस। बट डोंट यू थिंक हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है बच्चा? Yes. V is the potential difference. Potential difference. D is the distance. Distance. Wire में distance क्या होता है बच्चा? Length होता है. Length of wire. So can I write V upon this will be N E L into rho. Rho. So इतना सारा formula से बच्चा VD का. So accordingly आप select करेंगे. आपको कौन सा formula लेना है? Is it clear? Yes. 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 अब ये VD जो है, it is inversely proportional to A होगा, where A is going to be the area of cross section. बच्चा मैंने आपको क्या समझा? For example एक वायर है, जिसका area of cross section जो है ना, uniform नहीं है. So इधर आप area of cross section, और इधर को जो area of cross section, obviously it is different. ये A1 है, इधर A2 है. But याद रखना, इधर जो current है I है, तो इधर भी current I ही रहता है. तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि इधर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है, इधर का वेलोसिटी VD2 है, तो आपको पता है करंट सेम है तो इधर स्लो जाना चाहिए, इधर करंट इधर भी सेम है तो एरिया कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बच्चा? फास्ट जाता है. इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो A2 A1 से ज्यादा है तो VD2 जो है और VD1 जो है उसमें VD1 ज्यादा रहे. yes. बच्चा क्लियर है? यस 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 सर. फाइन, सी वी हैव डन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट वी विल गेट इनटू मोबिलिटी. मोबिलिटी जो आपको बताने वाला था मैं, सो दैट इज म्यू है, म्यू लिखते हैं. अभी बच्चा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहला स्टेशनरी था या उसका नेट वेलोसिटी जीरो था? यस है ना बच्चा? यस यस. Yes. जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है बच्चा, राइट? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो होता है मीन VD अपॉन E. VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑफकोर्स E इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी. क्लियर है बच्चा? यस सर. इसका प्रूफ नहीं है,
इसका प्रूफ क्यों चाहिए बच्चा? जब मोबिलिटी, अभी मैं जब बोलता हूँ रेसिस्टेंस इज वी अपॉन आई है, तो क्या तुम प्रूफ मांगेगा? ये एक टर्म है जिसको हम लोग ने डिफाइन किया है बच्चा। yes. मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेलोसिटी गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, तो अल्टीमेटली म्यू तो फॉर अ गिवन चार्ज कैरियर वो तो सेम रहेगा। सर मोबिलिटी होता क्या है, एक बार एक्सप्लेन करना बच्चा। अभी मैं बांटता हूँ राइट, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बात करेगा तो मेरा वेलोसिटी का बात करेगा। तो इफ आई एम रनिंग, सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो मेरा स्पीड या वेलोसिटी का बात करेंगे आप, बराबर है? yes. Yes. अभी चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कितना वेलोसिटी गेन करता है वो कौन डिसाइड करता है? मोबिलिटी। मोबिलिटी इज नथिंग बट द पावर ऑफ चार्ज टू मूव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा समझ में आ रहा है? yes. मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये मूव होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन किया वीडी राइट। तो अभी वीडी अपॉन ई का रेशियो लिया मैंने तो मेरे को मोबिलिटी मिलता है, मतलब वो कितना फास्ट मूव हो सकता है राइट। मोबाइल मतलब मूव हो सकता है राइट। yes. अभी मैंने वीडी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल किया तो वीडी भी डबल होगा बच्चा, तो अल्टीमेटली ये रेशियो जो है वो तो सेम ही आने वाला है एक चार्ज कैरियर के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए तो ई लिखेंगे हम लोग, दैट इज म्यू ई होगा। बच्चा क्लियर है? यस 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 ठीक है फाइन। सो मोबिलिटी इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स टू मूव इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना मूव हो सकते हैं वो मोबिलिटी डिसाइड करता है, एंड कैसा मूव हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लिया हम लोग ने, क्लियर? फाइन बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम है, बराबर ना? डोंट थिंक ई और ई कैंसिल होके यू विल राइट ई टाउ टाउ अपॉन एम बचेगा अपॉन एम, ये सेकंड फॉर्मूला है राइट। एंड थर्ड फॉर्मूला वीडी का बदले में सपोज मैंने ये लिखा एन ई ए वी डी, सर ये नहीं ई का टर्म कैंसिल चाहिए, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चा? ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं क्योंकि ई का टर्म, तो बताइए क्या बचेगा? चलो मैंने ए लिख दिया सपोज, सो इट विल बिकम आई एन ई ए इंटू ई होगा राइट। सो दिस इज वीडी का टर्म, of course E same है, so don't you think अभी mu का भी बहुत सारा formula है? yes yes right, so इसका मतलब आप चाहे तो mu का ये formula लिखा, तो आप VD का formula mu का terms पे लिखना है, तो VD will be equal to mu into E, e. तो इसके हिसाब से current का formula क्या होगा बच्चा? current का N E A VD का बदले में mu mu E mu E right, तो मतलब yes. आप ऐसे बहुत सारा फॉर्मूलास क्या कर सकते हो बेटा, क्रिएट कर सकते हो राइट। एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच, एनी डाउट्स? नो। सेवंथ वन बच्चा कलर कोड का ऊपर, कलर कोड आई होप सबको पता है ना? यस 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 यस, मतलब वो कलर कोड का तो आपको पता ही है कैसा ये रखना है, बट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज ए बी इंटू 10 रेस टू सी प्लस और माइनस डी परसेंटेज होता है, ये ऑर्डर ये ना बच्चा? यस यस यस, फाइन। तो एनीवे क्वेश्चंस आएगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बट आई होप ये सबको पता ही रहेगा कि कलर कोड का वैल्यू कैसा निकालना है, बराबर है? यस यस। एट वन इट इज फॉर टेम्परेचर coefficient of resistance, obviously temperature coefficient of resistance क्या होता है बच्चा? अल्फा होता है, अल्फा राइट। तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा विल बी इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू माइनस टी वन, क्लियर है? इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे बट जो भी बोर्ड पे लिखा है बच्चा, इज इट क्लियर? Yes. Yes.
अच्छा कंप्लीट कर लो। Done? Finished? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इसका जो extended part है, थोड़े लिख लेंगे, क्योंकि initial temperature zero है, तो formula हम लोग reduce कर सकते हैं।